सीहोर जिले की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। दो दशक तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अमिता अरोरा के पति जसपाल सिंह अरोरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई अपनी अनदेखी से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष मंगलवार को भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। सीहोर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोरा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सीहोर विधानसभा क्षेत्र में उनका वजूद कायम है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमिता अरोरा के द्वारा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद संभाला गया था। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया के बावजूद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कभी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। जिला पंचायत रहते हुए अध्यक्षीय कार्यकाल में जसपाल सिंह अरोरा ने सीहोर जिले के गांव-गांव में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए, सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार से लगाया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोरा के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सीहोर जिले में करारा झटका लगने जा रहा है। आदर्श न्यूज चैनल से चर्चा करते हुए भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोरा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष भोपाल में मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता लेने और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की पुष्टि कर दी है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।